गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 8 की ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे मैथ्स की। और मैथ्स के अंदर अपने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर अपने को क्या है, एक अननोन वैल्यू दी जाएगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ कंडीशंस दी जाएगी, कुछ तो अपने को सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और कुछ के अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको अपने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने एक्सरसाइज ये 2.1 स्टार्ट करेंगे और 2.1 के अंदर मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, x-2 = 7। यानी x एक अननोन वैल्यू है, इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगा, ए अननोन वैल्यू इफ यू -2 देन वी गेट 7। अगर अपने कोई अननोन वैल्यू में से 2 माइनस करते हैं तो अपने को 7 मिलता है। तो अपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको बेटा अपने ट्रांसफर मेथड से करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे। मैथ्स के अंदर जब आप किसी डिजिट का ट्रांसफर करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं -2 का इधर करूंगा तो ये माइनस का 2 है, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अगर कोई इधर प्लस का होता है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में कोई डिजिट है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा उसका। अब x = ये 2 इधर जाएगा तो 7 + 2 x = कितना आ गया, 9 आ गया, यानी आपका 9 आंसर है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो अपने इसको चेक करेंगे, चेक द आंसर। मैं क्या करता हूँ, x की जगह 9 पुट करके देखता हूँ कि क्या इसमें पुट करने पर आंसर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं पुट x = 9 ये करता हूँ, तो x की वैल्यू x-2 = 7। अब इसमें 9 पुट करता हूँ तो 9-2 = 7, अपने को पता है ऐसा है, 9-2 कितना होता है, 7। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड 7 है तो राइट हैंड भी क्या है, 7। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया था। आप इसको एक बार नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने थोड़ी देर में करेंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y+3 = 10। अगर इसका स्टेटमेंट से आप पढ़ोगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिलेगा, ए अननोन वैल्यू इफ वी ऐड 3 देन वी गेट 10। यानी अगर कोई अननोन वैल्यू के अंदर हमने 3 प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 3 प्लस करने पर 10 आंसर आता है, तो सिंपल सी बात आप क्या होगी, 7, क्योंकि 7+3 कितना होता है, 10। अब 7 को मैथमेटिक्स के अंदर कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कैसे करेंगे, तो वो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने किया था कि कोई वैल्यू यहाँ पर अगर प्लस की है तो इधर माइनस की जाएगी, अगर माइनस किया तो इसके साथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे प्लस का 3 है, अब इधर जाएगा किसका हो जाएगा, -3। यानी वाई के साथ जो डिजिट प्लस की हो रही है ट्रांसफर होती क्या हो जाएगी, दूसरे डिजिट के साथ माइनस हो जाएगी। 10-3 y = 10-3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको भी चेक करेंगे, अपने चेक कैसे करेंगे, पुट y = 7 देन पहले अपने लेफ्ट हैंड करेंगे, क्योंकि जो साइड लेफ्ट हैंड की तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देंगे और राइट हैंड की तरफ है उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर y की वैल्यू 7 पुट करता हूँ, y+3 = 10, मैं y की जगह 7 पुट करता हूँ तो 7+3 = 9। अब 7+3 कितना होता है, 10, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखो इसको चेक कर दिया करो, कई बार क्या होता है अपने आंसर निकाल लेते हैं, चेक नहीं करते। क्वेश्चन में अगर बोल भी दे जाए तो भी चेक कर रहे हैं, अगर नहीं भी बोला जाए तो भी आप एक्स्ट्रा से थोड़ा चेक कर दो कि अपना आंसर सही है या नहीं है, तो ये श्योर हो जाएंगे अपना क्वेश्चन सही है। एक बार इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 6 = z+2। देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि अपने बेसिकली ये चीज जानते हैं कि लेफ्ट हैंड के अंदर ही अननोन वैल्यू होती है, राइट हैंड के अंदर अपने रिजल्ट मिलता है। कई बार क्वेश्चन को घुमा के बोल देते हैं, इधर अपने वैल्यू जो नोन है वो दे देते हैं और इधर अननोन दे देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 मुझे मिलता है अगर मैं किसी डिजिट के अंदर 2 को प्लस करता हूँ, ठीक
ठीक है, वही बात अगर आप इस डिजिट को इधर ट्रांसफर करोगे, अब जेड तो क्या है, अननोन वैल्यू है, टू नॉन है, सिक्स भी नॉन डिजिट है, तो मैं टू को ट्रांसफर करूँगा नॉन डिजिट सारी एक तरफ आ जाएगी, अननोन एक तरफ रहेगी, तो टू प्लस इसके साथ प्लस हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस, सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू जेड, सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना होता है फोर, जेड की वैल्यू कितनी आ गई फोर आ गई। अब इसको क्या करेंगे अपने चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, पुट जेड इज इक्वल टू फोर देन सिक्स इज इक्वल टू जेड प्लस टू, सिक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना करेंगे फोर प्लस टू, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, और ये आपका क्या आ गया वेरीफाई आ गया। ध्यान देना अगर आप इसकी अंदर वैल्यू पुट करते हो और अगर आपका दोनों साइड सेम नहीं आ रही, इट मीन्स आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए अपने इस क्वेश्चन को करने के बाद में इसको अपने चेक भी करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर क्या है, थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन। देखो बेटा इसके अंदर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी वही कैलकुलेशन होती है जैसे नेचुरल नंबर में होल नंबर में होती है, तो मैं क्या करूंगा इसको ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये नॉन डिजिट है, ये अननोन है और ये भी नॉन डिजिट है, तो वही बात नॉन डिजिट को एक तरफ कर दो अननोन डिजिट को एक तरफ रखो। मैं एक्स को इधर रखता हूँ, ये थ्री अपॉन सेवन इसके साथ ऐड हो रहा है, जिसके साथ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेवनटीन अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन सेवन। अपने जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस आ गए और उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल कर उसका कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेवन है, इसका भी सेवन है, तो सेवनटीन माइनस थ्री डायरेक्ट हो जाएगा सेवनटीन माइनस थ्री अपॉन में सेवन, एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस थ्री कितने होते हैं फोर्टीन अपॉन में सेवन, एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन सेवन कितना बच गया टू आंसर आ गया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब इसको क्या करेंगे चेक करेंगे, चेक करेंगे तो मैं क्या कहूँगा पुट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू पुट करता हूँ तो थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन, थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना पुट किया टू इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन में सेवन। अब देखो बेटा ये फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको भी फ्रैक्शन बना दो, अपॉन में कितना लगा दें, जब किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता कितना लगा सकते हैं वन लगा सकते हैं। अब सेवन और वन का एलसीएम कितना आता है सेवन, सेवन के अंदर सेवन का डिवाइड करो वन और वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया थ्री, प्लस सेवन के अंदर वन का डिवाइड किया सेवन और सेवन को टू से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया फोर्टीन इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन, थ्री प्लस फोर्टीन अपॉन सेवन कितना आ गया सेवनटीन अपॉन सेवन, और लेफ्ट हैंड साइड सेवनटीन अपॉन सेवन है तो राइट हैंड साइड भी कितनी है सेवनटीन अपॉन सेवन, यानी आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई, तो आप इसको क्या लिख दोगे वेरीफाई, आपका आंसर सही है, इसको आप नोट करो, बाकी अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करो।